अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब? ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन। जैसे कल परसों ईद गुजरी है, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डिज़ाइंस वेयर किए हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बहुत ही यूनिक खूबसूरत डिज़ाइंस जो कि लूप के साथ और समोसा लेस के साथ तैयार किए गए हैं। समोसा लेस मार्केट से बाहर से मिल भी जाती है, और जो हमारे पास डोरी होती है वो भी मिल जाती है बाहर से। तो ये देखिए, वाइट इसके साथ हमने और गिंजा के साथ बनाया हुआ है। पैच इसका था बड़ा, ऊपर से हमने सिलाई करके नीचे से लेस लगा दी है। सेकेंड है इसकी, हमने बहुत ही खूबसूरत थी शटल लेस लगा के। पैच तकरीबन सबके होते हैं, अगर ना हो तो बाहर से मिल जाते हैं। पैच लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी लेस वाली शॉप से आपको पैच इजीली मिल सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने शटल लेस लगाई हुई थी। ये हो गई जी, हमारा टोटल अपना हैंडवर्क है। ईद के स्पेशल ट्राउज़र जो हमने स्टिच किए थे वो है बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत। और अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो वेयर करने से इतनी खूबसूरत नहीं लगती, लेकिन जो बहुत खूबसूरत लगती है। वाइट है ट्राउज़र, कितना यूनिक लग रहा है। सीढ़ी लेस लगाई है, स्पेशल लेस लगाई है, लूप लगाए हैं। वाइट ट्राउज़र जो होती है वो इसलिए भी यूनिक लगती है क्योंकि सेम जब कलर उस पर स्टिच किया जाता है तो वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। तो बहुत सारे डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं ट्राउज़र के। आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन पसंद आया है, आपको कौन सा डिज़ाइंस मैं स्टिच करके दिखाऊँ, आपने मुझे कमेंट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपने ईद कैसे गुजारी, ईद की स्टिचिंग कैसे की है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट मैं आपको बेबी की डिज़ाइंस दिखाऊंगी। बेबी गर्ल्स जो होती हैं उनके गले दामन उस कैसे स्टिच करना है, किस तरह के डिज़ाइंस होने हैं, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितना यूनिक लग रहा है। इसमें आपने एक शर्ट की पट्टी डाली है, बाकी सीढ़ी लेस ही डाली है। ये ब्लैक है, ये ट्राउज़र भी आजकल बहुत बहुत यूनिक चल रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर आपने करना क्या होता है, ये देखिए लूप्स लगाने हैं। मोटा धागा किस तरह लगाना होता है, वो किस तरह मतलब काम करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये शलवार है, कुछ ट्राउज़र्स भी होते हैं, कुछ पैंट ट्राउज़र्स भी होती हैं, मतलब डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइन बन सकते हैं। ये देखिए, ये वाइट हो गया, फिर से वही सीढ़ी लेस और फिर शटल लेस यूज़ करके आप यूनिक स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा का वाइट स्टफ है, ब्लैक स्टफ है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कनारी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, समोसा बना के उसके बाहर डोरी लगा के भी। देखो ना, डिफरेंट टेक्निकली डिफरेंट स्टाइल्स हम बना सकते हैं। जो भी स्टाइल है ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान। ट्रेंडिंग कंडीशन वाले जो हैं, जो आजकल बहुत चल रहे हैं, वही डिज़ाइन मैंने आपको शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लोगों की मुश्किलें कम कीजिए, लोगों के दुख बांटिए। वक्त बहुत ही अजीब आता जा रहा है, अपना थोड़ा सा टाइम अपना को दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।